माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। तो अभी तक के वीडियो में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा था, है ना, और यूनिट्स के विषय में देखे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूजेस हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे, है ना, एनटीपीसी, सीजीएल, इन सभी के केस में, एसएससी के केस में, ये सभी, ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे विशेषकर दो क्वेश्चन कम से कम मिल ही जाता है इससे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। जैसा पहला हमारा एल्टीमीटर है, एल्टीमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई मापते हैं ना, किसी भी हाइट पर पहुंच जाते हैं, उस हाइट कहां तक पहुंचा गया है, है ना, उसका हम लोग ऊंचाई मापते हैं एल्टीमीटर से, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्टीमीटर के द्वारा हाइट मापा जाता है। दूसरा नंबर पर है एमीटर, एमीटर इंपॉर्टेंट है ना, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एमीटर, एमीटर के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं कि किसी सर्किट से, किसी वायर से होकर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एमीटर को जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो कनेक्शन करते हैं, किस क्रम में करते हैं, उसे सीरीज में करते हैं ना, श्रेणी क्रम में करा जाता है एमीटर को, तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर को आप देखे होंगे, है ना, जहां पर पवन गति मापी जाती है, एक क्लॉक रहेगा, उसके ऊपर एक तीर जैसा बना रहेगा और एक मुर्गा बैठा रहता है, मुर्गा का डायग्राम बना होता है, मतलब कुछ बना होता है, काट का मुर्गा जैसा बना होता है, उसको हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। उसके जरिए हम लोग पवन किस स्पीड से चल रही है ना, उसका हम लोग मेजर करते हैं, पवन गति, ठीक है ना। पवन गति को मापने में क्या करते हैं, हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब के जरिए हम लोग क्या करते हैं, आकाशपिंड की ऊंचाई और उसकी स्थिति मापते हैं ना, पृथ्वी तल से हम क्या करते हैं कि कोई ग्लेशियल बॉडीज है या कोई आकाशीय पिंड है जो आकाश में घूम रहा है, है ना, वहां से पृथ्वी से कितना डिस्टेंस पर, उसे मेजर करते हैं, और उसका लोकेशन क्या है, स्पेस में लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को हम लोग एस्ट्रोलैब से मापते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडियोमीटर इंपॉर्टेंट है, ऑडियोमीटर नाम से सुनने में समझ में आ रहा है, ऑडियो मीन्स सुनना, इसे सुनने में हम लोग को हेल्प करते हैं, कान में जो लगाते हैं ना वो ऑडियोमीटर होता है, जो कान से नहीं सुनाई देता है, जो कान में लगा होता है उसे ऑडियोमीटर कहते हैं, ये सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर में क्या करता है, गाड़ी में एक्सेलेरेटर के काम में आता है, मतलब गाड़ी का स्पीड टाइम टू टाइम स्पीड चेंज करने में एक्सेलेरोमीटर का यूज करते हैं। इसका यूज होता है त्वरण मापने में, मतलब क्या, त्वरण उत्पन्न करने में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरोमीटर के द्वारा सभी को परिचित है, बैरोमीटर का यूज हम लोग दबाव मापने में करते हैं, वायुमंडल दबाव मापने में करते हैं ना। बैरोमीटर में क्या होता है, एक बीकर होता है, उसमें पारा भरा होता है, और एक उल्टी ट्यूब ऊपर से उल्टी भी रहती है, उसमें पारा भरा होता है, ठीक है। ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो पारे के अंदर, ट्यूब के अंदर क्या होता है, मरकरी ऊपर धीरे धीरे उठता है, और जितना हाई तक उठता है कहते हैं कि एयर का प्रेशर इतना है, इतना प्रेशर है। तो बैरोमीटर की खोज किसने किया था, टॉर्सेली ने क्या था, बैरोमीटर की खोज की थी, ठीक है ना। टॉर्सेली ने बैरोमीटर की खोज की थी, बैरोमीटर बनाया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि बैरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बैरोमीटर टॉर्सेली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बोलोमीटर, बोलोमीटर को के जरिए हम लोग विकिरण ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी को मेजर करने में करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बोलोमीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा को मेजर करने में करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबक के तरंगों का कितनी शक्ति है, उसमें कितना एनर्जी है, उसे मेजर करने में हम लोग बोलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, है ना। ब्रीथलाइजर, ठीक है, ब्रीथलाइजर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, है ना, सांस के जरिए पता कर लेते हैं कि श्वसन कितना शराब पिया है या नहीं पिया है, वो शराबी है या नहीं, है ना। जैसे जब कोई सड़क पे गाड़ी चलाता है ना, ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है, तो जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो क्या करता है, ब्रीथलाइजर के द्वारा हमारे मुख के सामने लाता है और सांस छोड़ने को कहते हैं मुख से, है ना। तो उसके जरिए ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि इंसान शराब पिया है या नहीं पिया है, अल्कोहल का पता करने में इसका यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रीथलाइजर के द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन के जरिए पता कर सकते हैं कि वो शराब पिया है या नहीं पिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इंपॉर्टेंट है, उष्मा मापने में क्या करते हैं, कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, उष्मा मापने में कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, उष्मा मापने में कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। क्रोनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोनोमीटर से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, क्रोनोमीटर के जरिए हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं। और कंपास भी इंपॉर्टेंट, कंपास सभी को जानते हैं, कंपास से क्या होता है, डायरेक्शन मापा जाता है, कंपास हमेशा उत्तर दिशा को दिखाती है, ठीक है ना, कंपास से हम लोग दिशा मापते हैं।
क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसे जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था, है ना। क्रिस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु ने इसका इसका आविष्कार किया था। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पौधे में कितनी वृद्धि हो रही है, पौधे की वृद्धि के रेट को हम लोग क्रिस्कोग्राफ के जरिए मापते हैं, ठीक है ना। पौधों में हुए वृद्धि के रेट को, या पौधा कितना बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, उसे हम किसे मापते हैं, क्रिस्कोग्राफ से मापते हैं, क्रिस्कोग्राफ से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के जरिए हम लोग नाविक लोग पता कर पाते हैं, है ना, जो सेलर होता है, जो जहाज समुद्र में चलाते हैं, वो अपने आप अपनी पोजीशन को पता करते हैं कि हम इस लैटिट्यूड पर, इस लॉन्गिट्यूड पर हमारा जहाज चल रहा है, अभी समुद्र में है अभी, ठीक है। तो जहाज की स्थिति में पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी याद रख सकते हैं क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारा हमारा फिजिक्स में बहुत सारा सिस्टम है जहां पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन को, साइक्लोट्रॉन के जरिए किसी भी नेगेटिवली चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं ना, उसके स्पीड को अचानक से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। डिस्ट्रोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बारिश हो रही है, उस बारिश का जो रेट है, किस स्पीड से बारिश हो रही है, उसके स्पीड को हम लोग मापते हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है डोजीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है ना। डोजीमीटर इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है ना, या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करता है जहां से रेडिएशन निकलती है, ठीक है ना। तो उन सभी के बॉडी में कितना रेडिएशन इन किया गया है, या फिर उस रेडिएशन से कोई इंसान कितना प्रभावित है ना, तो उसका यूज किससे किया जाता है, डोजीमीटर से किया जाता है, ठीक है। इसके जरिए क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रेज का पता लगाते हैं कि उसके बॉडी में कितना रेडियो एक्टिव रेज का इफेक्ट हुआ है, या उससे कितना ग्रसित है, इसे हम लोग डोजीमीटर के द्वारा आता है, ठीक है। डायनेमोमीटर इंपॉर्टेंट है, डायनेमो भी इंपॉर्टेंट है ना। डायनेमोमीटर के जरिए हम लोग फोर्स का पता करते हैं, कितना फोर्स लगा है, या कितना पावर लगा है, या टॉर्क का पता करते हैं इससे, ठीक, टॉर्क। और डायनेमो से तो हम लोग को समझ में आता ही है, डायनेमो से क्या करते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डायनेमो, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो जो है, जैसे डायनेमो कैसे काम करता है, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेट में लगा रहता है, इसमें कॉइल लगा होता है, कॉइल इस तरह से कॉइल लगा होता है ना, इस तरह से कॉइल लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसमें हम लोग इस कॉइल को मूवमेंट करते हैं, हाईली स्पीड से मूवमेंट करते हैं, तो हाईली स्पीड से मूवमेंट करने के कारण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने लगता है, मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस कॉइल से क्या होता है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों, ये मैग्नेट है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कॉइल बार बार चेंज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेट के अनुसार से क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पर काम किया, चुंबक का विद्युत धारा पर प्रभाव हुआ, चुंबक का विद्युत धारा के प्रभाव के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है ना। चुंबक का विद्युत धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सिद्धांत पर ये काम करता है डायनेमो, ठीक है। तो डायनेमो के जरिए क्या करते हैं, हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में, कई बार पूछा गया है इलेक्ट्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का पता किसे लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से लगाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का पता किसे लगाते हैं, हम इलेक्ट्रोस्कोप से लगाते हैं। इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है, ये इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है। इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने में करते हैं ना, कि कोई पार्टिकल चार्ज है या नहीं चार्ज है, हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलिप्सोमीटर, इंपॉर्टेंट नहीं, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है, कि कोई लाइट है एयर में किस स्पीड से मूवमेंट कर रही है ना, और किसी वाटर के अंदर जाने पर किस स्पीड से मूवमेंट कर रही है ना। कोई लाइट है एयर में किस स्पीड से मूवमेंट की, और इसके वाटर में किस प्रकार का मूवमेंट हो गया, तो इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू से दिखाया जाता है, म्यू इक्वल्स टू द सी बाय वी, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कि एयर में कितना मूवमेंट है बाय, है ना, एयर में कितना मूवमेंट है बाय
ये वाटर में या फिर किसी मीडियम में कितना मूवमेंट, उसे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ये यूज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर के किसी ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स के जांच के लिए हम लोग किस मीटर का, किसका यूज करते हैं, एंडोस्कोप का यूज करते हैं ना। एक कैमरा जैसा होता है, छोटा सा बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, उसके जरिए हम लोग देखते हैं कि बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी या फिर उसका जांच करते हैं हम लोग एंडोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट है फैथोमीटर से, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैथोमीटर, फैथोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, समुद्र की गहराई मापते हैं ना, समुद्र की गहराई, सोनार से भी समुद्र की गहराई मापा जाता है। सोनार अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले, सोनार, सोनार से भी समुद्र की गहराई मापा जाता है और फैथोमीटर से भी समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, तो कुछ हम लोग और भी कुछ देखते हैं, जैसे छूट गया था सी से कार्डियोग्राम। ठीक है ना, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हृदय, हृदय गति को मेजर करते हैं ना, हृदय का जो गति है ना, उसे हम लोग किसे मेजर करते हैं, कार्डियोग्राम। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रखिए कि कार्डिक, हृदय की, हृदय जिस पेशी से बनी होती है उस पेशी को, उस मसल्स को कहते हैं हम लोग कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स, तो वहीं से आया है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हृदय की गति को मापते हैं, हृदय की गति को किसे मापते हैं, कार्डियोग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है और गैल्वेनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक सर्किट तैयार किया हमने, एक सर्किट तैयार किया है ना, अब हमें पता करना है कि उससे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस सर्किट के कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से होकर के लगा देते हैं। ठीक है ना, यदि गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन दिखा दे, गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगी होती है, यदि उस सुई में रिफ्लेक्शन हो गया तो बोलेंगे सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को मापने में, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने में गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में हम लोग लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर को भी क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ताकि जिससे क्या हो, ये इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में हमारा कितना शुगर है ना, शुगर लेवल कितना है, हम लोग किसे मेजर करते हैं, ग्लूकोमीटर से करते हैं। ग्लूकोज के नाम से पता चल जा रहा है कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज यानी शुगर की कितना मात्रा है, वो ग्लूकोमीटर है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हाइड्रोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी द्रव की गुरुत्व भार, गुरुत्व भार मतलब हाइड्रोमीटर मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि कोई द्रव कितना गाढ़ापन है ना, जो द्रव जितना गाढ़ापन होता है, जिसमें जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसका गुरुत्व भार भी ज्यादा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंग्लिश में कहते हैं वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर के जरिए हम आपते हैं हाइड्रोफोन, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोन के जरिए क्या करते हैं, पानी में ध्वनि तरंगों का माप किया जाता है। ठीक है ना, पानी में ध्वनि तरंगों की माप किसे की जाती है, हाइड्रोफोन से की जाती है। हाइड्रोफोन के जरिए पानी में जो ध्वनि तरंग फैलते हैं उसकी माप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता मापते हैं, क्या मापते हैं यहाँ पर, आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता मतलब क्या, वायु में कितनी वाटर वेपर्स है या वाटर की मात्रा है ना, उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जितना परसेंट वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो हाइग्रोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, कीमोग्राफ, कीमोग्राफ का अक्सर देखते हैं जो हॉस्पिटल्स में, इस तरह से टीवी जैसा होता है उसमें इस तरह से कुछ ग्राफ बने होते हैं ना, तो इस ग्राफ के जरिए हृदय की गति या ब्लड प्रेशर्स को प्लॉट किया जाता है, खींचा जाता है, और इस मतलब साइंटिफिकली होते रहता है, डिजिटली होते रहता है ना, ऊपर नीचे कर्व ऊपर होते रहता है, उसको क्या कहते हैं, कीमोग्राफ कहते हैं। इसके इसमें क्या करते हैं हम लोग, हृदय गति और दबाव, दबाव की दबाव को क्या करते हैं, इस ग्राफ के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम, दूध की प्योरिटी को मापते हैं, दूध कितना शुद्ध है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लैक्टोमीटर के जरिए क्या करते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है ना, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये एक्चुअली करता क्या है ना, हम लोग दूध, दूध एक पर्टिकुलर जो ओरिजिनल दूध होता है ना, मतलब जो प्योर दूध है, ओरिजिनल दूध मतलब क्या, जो प्योर दूध है उसमें एक लिमिट होता है, इस लिमिट तक उसमें फैटी एसिड पाया जाता है। जैसे हम लोग उसमें पानी मिला देते हैं तो उस फैटी एसिड का जो कंसेंट्रेशन होता है कम हो जाता है ना, सॉल्यूशन का मात्रा बढ़ गया तो कंसेंट्रेशन कम हो गया। कंसेंट्रेशन को ये मेजर करता है लैक्टोमीटर, क्या करता है कंसेंट्रेशन, ये नहीं देखता कि पानी कितना डाला, वो नहीं देखता, वो कंसेंट्रेट एक्चुअली मेजर करता है फैटी एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है। यदि फैटी एसिड का कंसेंट्रेशन उस लिमिट, जो एक फिक्स लिमिट किया गया है, उस फिक्स लिमिट के अंदर आ गया तो बोलेंगे दूध प्योर है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे दूध में मिलावट है ना, दूध में मिलावट किया गया है। तो लैक्टोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट मैनोमीटर, ठीक है ना, अभी हमने बैरोमीटर का देखा, बैरोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। कह रहे किसी भी गैस का प्रेशर किसे मापा जाता है, मैनोमीटर से, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर के जरिए किसी भी गैस के दबाव को हम लोग मापते हैं, किसी इनक्लोज सिस्टम रहे चाहे ओपन सिस्टम रहे, उसमें जो गैस है उसका हम प्रेशर मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके जरिए किसी सॉल्यूशन में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, है ना, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका हम लोग पता लगाते हैं। और इसके साथ साथ अगर उसमें कोई आयन है तो कितना आयन मौजूद है, उस आयन का कंसेंट्रेशन क्या है, है ना, स्ट्रेंथ क्या है, उसे हम लोग मापते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। तो आयन की मात्रा और केमिकल की पहचान इससे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है ना, आप इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, जो बचपन से पढ़ाया जाता है, नापना बेलन जिसे हिंदी में कहते हैं, नापना बेलन। तो नापना बेलन के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी दरों को मापते हैं। नापना बेलन बहुत प्रकार का होता है ना, मेजरिंग सिलेंडर जैसे इस तरह का होता है कुछ, है ना, मेजरिंग सिलेंडर बहुत प्रकार का होता है, जैसे इस प्रकार सा होता है कुछ, तो इस प्रकार से रहता है, इसके ऊपर इस तरह मेजरमेंट लगा रहता है। एक ब्यूरेट कहते हैं, ब्यूरेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो बहुत बहुत प्रकार के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑडोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये ऑडोमीटर है ना, एक स्पीडोमीटर कहीं होगा, पढ़ने वाले स्पीडोमीटर, इसके बाद स्पीडोमीटर देखेंगे। एक ऑडोमीटर, ऑडोमीटर के जरिए हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कोई गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, है ना। देखिए बाइक होता है या फिर कोई भी गाड़ी होता है, उसमें जनरली ऑडोमीटर लगा रहता है, वो बताता है इतना किलोमीटर डिस्टेंस अभी तक में ट्रेवल हुआ है, है ना। तो जो डिस्टेंस को स्टोर करके रखता है, मतलब जो डिस्टेंस का रीडिंग करके रखता है, उसे क्या कहता है, ऑडोमीटर कहता है, ठीक है। एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर के द्वारा पता चलता है कि गाड़ी हाईएस्ट कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, ठीक है। तो वो ऑडोमीटर होता है, ये ऑडोमीटर है और वो स्पीडोमीटर होता है। ऑडोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम लोग, वाहन के द्वारा तय दूरी को मापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पीएच मीटर, पीएच मीटर, पीएच नाम से सुनता चला समझ में आ जा रहा है कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन को, H+ आयन की सांद्रता को मापते हैं, है ना, कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसे मापते हैं। जनरली जो पीएच का वैल्यू होता है जीरो से कितना होता है, जीरो से 14 तक होता है। यदि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का पीएच हमारा 7 होता है, यदि पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, जीरो और 7 के बीच में, तो बोलेंगे सॉल्यूशन एसिड है, है ना। और पीएच के वैल्यू यदि 7 से 14 के बीच में आ रहा, तो बोलेंगे सॉल्यूशन मेरा बेसिक है, उसमें क्षार की मात्रा है ना, और अम्ल की मात्रा है। तो पीएच मीटर के द्वारा हम लोग सॉल्यूशन के एसिडिटी या बेसिसिटी का पता करते हैं, अम्लीयता या क्षारीयता का पता, क्षारता का पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोलेरोमीटर, पोलेरोमीटर या पोलेरोमीटर भी कहते हैं इसे हम लोग। पोलेरोमीटर के जरिए जनरली इसमें इसका भी यूज हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस का पता करने में करते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है ना, एक पोलराइज लाइट होता है, पोलराइज लाइट को जब किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कितना एंगल से मूवमेंट हुआ, है ना, मूवमेंट कितना एंगल से मुड़ गया, वो हम लोग मेजर करते हैं। ये केमिस्ट्री में यूज होता है, साइंस का केस में सब यूज होता है, ये सभी नहीं पूछे जाते एग्जाम में। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज की कोई सर्किट है, उस सर्किट का जो एंड पॉइंट है, उस पॉइंट पर कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, कितना वोल्टेज है ना, उसे हम लोग पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापते हैं। और याद रखिए पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर भी कहते हैं, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर को हम लोग हमेशा हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जाता है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एमीटर पढ़े थे, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, और पोटेंशियोमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर हमारा करंट को पता कर रहा था, करंट का अमाउंट को बता रहा था कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हुआ पर सेकंड, और पोटेंशियोमीटर बताता है कि दो पॉइंट जो सर्किट और सर्किट के एंड दो पॉइंट के बीच है ना कितना वोल्टेज है, उसे बताता है कितना वोल्ट है, विभवांतर जिसे हिंदी में कहते हैं कितना है, ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर, साइक्रोमोमीटर, साइक्रोमोमीटर भी आर्द्रता को मापता है ना, बेसिकली हम लोग हाइग्रोमीटर का ही यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं, तो आप इसे जान के रखिए ये आर्द्रता का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, इंपॉर्टेंट है ये पायरोमीटर, पायरोमीटर का यूज तापमान मापने में, उच्च तापमान मापने में किया जाता है, ठीक है ना। कई बार पूछ देगा, एमसीक्यू में दे देगा, है ना, कि निम्न में से किसका यूज तापमान मापने में करते, तो आप तो थर्मामीटर जान के रखे हैं ना, थर्मामीटर से क्या करते हैं, तापमान मापते हैं, थर्मामीटर से मापा जाता है। एग्जाम में आपको थर्मामीटर नहीं रखेगा, उसको हटा के दे देगा पायरोमीटर, एक ढेर सारा ऑप्शन रहेगा पायरोमीटर, और चौथा ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। तो अब याद रखिए, है ना, पायरोमीटर के जरिए उच्च तापमान, हायर टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं पायरोमीटर के द्वारा, ठीक है। तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है फोनोग्राम, फोनोग्राम एक डिवाइस है ना, एक डिवाइस जिससे क्या करते हैं वो साउंड उत्पन्न करते हैं ना, फोनोग्राम नाम सुने होंगे। फोनोग्राम के जरिए क्या क्या जाता है, ध्वनि उत्पन्न करने का एक यंत्र है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फोनोग्राम, उसे ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है रेन गेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रेन गेज, रेन गेज के जरिए हम लोग क्या करते हैं, वर्षा होने की रेट को पता करते हैं,
वर्षा होने के रेट किससे पता करते हैं हम लोग, रेन गेज के जरिए, ठीक है ना। रेन गेज के जरिए क्या करते हैं हम लोग, वर्षा होने के रेट को पता करते हैं, कितनी वर्षा हो रही है, कितना सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है इस क्षेत्र में, कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, उसे हम रेन गेज के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे रडार, रडार ठीक है ना, रडार भी इंपॉर्टेंट है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका यूज क्या करते हैं, विद्युत चुंबक के तरंगों का यूज कर पता करने में करते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई जेट प्लेन आ रहा है तो उससे जो वेव आया, उसका साउंड से जो वेव क्रिएट हुआ, वो वेव क्या करता है, रडार कैप्चर कर लेता है और सिग्नल तैयार करता है और इन्फॉर्म करता है ना कि कोई कोई विमान आ रहा है या फिर कोई सिग्नल आ रहा है, उसे ये कैच करता है रडार, ठीक है ना। तो ये विद्युत के तरंगों या विद्युत चुंबक के तरंगों को पता करता है, या फिर कोई भी विमान आ रहा है तो किस स्पीड से विमान आ रहा है, उसका उसका गति को पता कर लेता है, कितने डिस्टेंस पर ये विमान है उसका डिस्टेंस को भी ये पता कर लेता है, ठीक है। तो रडार का ये यूज हो गया। नेक्स्ट है रूलर, रूलर सिंपल सा नाम है ना, रूलर मतलब स्केल, जिससे हम लोग सेंटीमीटर स्केल जिसे कहते हैं ना, सेंटीमीटर स्केल को क्या कहते हैं हम लोग, रूलर कहते हैं, स्केल जो लंबाई मापने करते हैं, सिंपल सा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेक्टिफायर, कई बार पूछा गया है रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर का यूज क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, एसी करंट को डायरेक्ट करंट में डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर का यूज, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैक्रेमीटर, सैक्रेमीटर अभी हमने ग्लूकोमीटर पढ़ा था, ग्लूकोमीटर में क्या कहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पता करें, लेकिन किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्लूकोज की मात्रा है उसे हम लोग सैक्रेमीटर से मापते हैं। सैक्रेमीटर सैक्रेमीटर सैक्राइड से आया है, ग्लूकोज क्या होता है, सैक्राइड्स का मोनोमर होता है, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, सैक्राइड्स का मोनोमर होता है, तो सैक्रेमीटर से सैक्राइड से सैक्रेमीटर आया है। तो सैक्रेमीटर का यूज क्या करते हैं, किस कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी घोल है, उसमें कितना मात्रा में ग्लूकोज है, कितना मात्रा में शुगर है, या कितना मात्रा में सैक्राइड्स है, उसका पता करने में सैक्रेमीटर का यूज होता है। तो अभी अभी हमने सैक्रेमीटर के विषय में देखा, सैक्रेमीटर से क्या कर रहे थे, दरों में ग्लूकोज की मात्रा को हम लोग पता कर रहे थे कि दरों में शुगर कितना घुला हुआ है, सैक्राइड्स कितनी है, ठीक है ना। उसी तरह सेलिनोमीटर के जरिए क्या करते हैं कि दरों में नमक की मात्रा कितनी है, सलाइन, सलाइन मतलब क्या, नमक, सेलिन मतलब क्या, नमक। तो दरों में नमक की मात्रा कितनी है उसे हम लोग सेलिनोमीटर से मेजर करते हैं ना, घोल में नमक की मात्रा को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, सेलिनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, जो वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्मोग्राफ से संबंधित है, क्या होता है सिस्मोग्राफ, भूकंप मापने का यंत्र होता है। भूकंप मापने का क्या होता है, यंत्र है, भूकंप आया तो उसके सिस्मोग्राफ की जरिए पता चलता है कि भूकंप आया है। क्या होता है सिस्मोग्राफ, इस तरह से एक रोल पेपर होता है, इस तरह लपटा पेपर होता है, उसके ऊपर से एक लटकता हुआ निडल होता है जिसमें पेंसिल का नोक जैसा लगा होता है। जैसे भूकंप आते हैं वो क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट करती है, जैसे जैसे मूवमेंट करती है तो ये पेंसिल का नोक इस पेपर के ऊपर क्या करता है, इस तरह से घूमते रहता है, जिसके कारण वेव का वेव स्ट्रक्चर कुछ बना देता है ना, इस तरह से होता है, एक वेव इस तरह से यहां से लटकता रहता है, ये जैसे ही मूव करता है इधर से मूवमेंट होने पर क्या होता है, इस तरह से कुछ वेव बन जाते हैं, ये ऊपर से लटक करके इस तरह से बनता रहता है, इसे क्या कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसका ये स्टडी साइंटिस्ट करते हैं और पता करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है ना, ये सभी भूकंप तरंगों का फ्रीक्वेंसी इसे मापते हैं। और उसी के नीचे है रिचर स्केल, रिचर स्केल है ना, रिचर स्केल का हम लोग यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है ना। नेक्स्ट है रिचर स्केल या रिक्टर स्केल को भी कहते हैं, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है कि भूकंप आया है, और रिचर स्केल से क्या जाता है, वो भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि किस इंटेंसिटी का भूकंप आया है ना। इसे टोटल 7 तक कम से कम किया जाता है, अगर 2 तक 4 के नीचे रहता है तो हम लोग जनरल भूकंप कहते हैं, उससे नुकसान कम होता है, 5 से अगर ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा तबाही आ जाता है, ठीक है। तो रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। अभी हमने स्पीडोमीटर के विषय में देखा, स्पीडोमीटर के जरिए क्या किया जाता है, स्पीडोमीटर से कि वाहनों का गति का रिकॉर्ड रहता है, उसमें वाहनों की गति का रिकॉर्ड रहता है कि किस स्पीड से वाहन ट्रेवल की है डिस्टेंस, है ना, उसे स्पीडोमीटर के द्वारा मापते हैं। और ऑडोमीटर से क्या कर रहे थे, ऑडोमीटर से क्या कर रहे थे कि कोई भी व्हीकल जो है, कोई भी वाहन जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका रिकॉर्ड रखते हैं ऑडोमीटर में, ठीक है। स्पीडोमीटर के जरिए वाहनों का वेग मापा जाता है। उसी तरह क्या है स्फैग्मो मैनोमीटर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है स्फैग्मो मैनोमीटर से हम लोग सभी परिचित है ना। डॉक्टर क्या करता है, पट्टी बांधता है, पट्टी लगा कर कुछ बैंड, रबर बैंड जैसा होता है, पता है ना, ठीक है। उसके जरिए एयर देता है, एयर देने के साथ साथ क्या होता है, ब्लड हमारा मेजर कर लिया जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, रक्त दबाव मापा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्फैग्मोमैनोमीटर।
इसी के साथ साथ है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के जैसे सभी परिचेदन आला होता है, इसके जरिए क्या करते हैं हम लोग हार्ट बीट सुनते हैं या फिर लंग्स फुलता से पड़ता है, हार्ट बीट से डॉक्टर सुनने में इसका यूज करते हैं ना स्टेथोस्कोप। हृदय गति या हृदय की धड़कन सुनने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैकोमीटर, टैकोमीटर ठीक है ना, टैकोमीटर। टैकोमीटर जैसे हमारा स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में लगा होता है, कार हो गया, बाइक हो गया, इन सब में स्पीडोमीटर लगा होता है, उसी तरह मोटरबोट या फिर एरोप्लेन, मोटरबोट या एरोप्लेन की स्पीड मापने के लिए किस स्पीड से ये चल रहा है तो उसमें क्या लगा होता है, टैकोमीटर लगा होता है। इसके जरिए क्या करते हैं मोटरबोट या फिर एरोप्लेन का स्पीड को मेजर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पीडोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टेलीस्कोप सभी परिचित है, टेलीस्कोप गैलीलियो ने सबसे पहले खोज बनाया था, ठीक है ना, टेलीस्कोप सबसे पहले गैलीलियो ने बनाया था। तो टेलीस्कोप के जरिए क्या करते हैं कि किसी दूर के वस्तु को देखने में, करीब करके देखने में क्या है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्पेस में कोई क्लेशियल बॉडी मूव कर रही है तो उसे देखने में हम क्या करते हैं टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना। टेलीस्कोप में लेंस का यूज करते हैं, डबल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप में क्या होता है, डबल लेंस का यूज करा जाता है, टेलीस्कोप में डबल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ टेलीस्कोप से एक बात, लेंस का बात हो रहा था, लेंस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले वीडियो में बताना भूल गया था, है ना। तो लेंस, लेंस से बात आई, तो लेंस का पावर का जो यूनिट होता है लेंस का, जैसे फोकस, फोकस लेंस का जो फोकस का यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। फोकस क्या होता है, लेंथ को दिखाता है। लेकिन लेंस का यदि पावर, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f होता है, 1/f, इसे क्या कहते हैं हम, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। मतलब फोकस का रिवर्स क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। लेंस की इकाई, लेंस की शक्ति की इकाई पूछा जाता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। हमारे मनुष्य के लेंस की, मनुष्य के आंख की जो लेंस है उसकी शक्ति कितनी होती है, तो याद रखिए इसकी शक्ति होती है 4 डायोप्टर। इसे 4D लिखा जाता है, 4 डायोप्टर हमारी लेंस की शक्ति होती है, ठीक है ना। हमारे मनुष्य नेत्र की शक्ति कितनी होती है, 4 डायोप्टर, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बताना भूल गया था, ठीक है। तो लेंस का शक्ति इकाई 4 डायोप्टर, तो टेलीस्कोप से याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोनार, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके जरिए क्या करते हैं, समुद्र से ऊपर से जाता है तो नीचे का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि कितना डिस्टेंस, मतलब कितना डेप्थ है समुद्र का, गहराई कितना है, वो सोनार के जरिए पता किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ हम फैथोमीटर में बताया था मैंने, तो फैथोमीटर में भी हमने क्या देखा, उससे भी समुद्र की गहराई मेजर की जाती है, सोनार से भी गहराई मापी जाती है, ठीक है। इससे एक्चुअली मापा जाता है कि कितना गहराई पर चट्टान है, समुद्र के नीचे कितनी गहराई पर चट्टान है, वो सोनार से मापा जाता है, ठीक है, ताकि पता कर लिया जाता है कि इस एरिया में जो चट्टान है बहुत ऊंचाई पर है, इस एरिया में चट्टान जो नीचे में है तो सोनार से मापते हैं, ठीक है। तो सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर। ये नाम से सुनने में आ रहा है टेंशन, टेंशन मतलब क्या, खिंचाव। तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, जो दरों का पृष्ठ तनाव होता है उसे मापा जाता है टेंसियोमीटर से, दरों का जो पृष्ठ तनाव होता है उसे मापा जाता है टेंसियोमीटर से। नेक्स्ट है थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, करंट को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट, करंट के एम्पलीफिकेशन में क्या करता है ट्रांजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट है यूडोमीटर, यूडोमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, तुषारपात। तुषारपात कहने का मतलब किसी भी चीज का जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब ओला हो रहा है, सॉरी ये ओस हो रहा है, ओस गिर रहा है, या फिर वर्षा हो रही है, या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट पड़ता है ना, उसे हम लोग यूडोमीटर से मापते हैं, जिसे हिंदी में तुषारपात या प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, तो यूडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर, नेक्स्ट है हमारा वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर इंपॉर्टेंट है, वोल्टमीटर के जरिए क्या करता है, विद्युत विभव मापा जाता है ना, दो तो सर्किट इस जगह पर, ये हमारे इस तरह से कुछ सर्किट है ना, इसके बीच में कितना वोल्ट होगा, इसे किससे मापा जाता है, वोल्टमीटर से मापा जाता है। इसे जोड़ दिया जाता है समानांतर क्रम, अभी मैंने देख बताया था, है ना, जो पोटेंशियोमीटर होता है और वोल्टमीटर दोनों एक ही टाइप से काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, पोटेंशियोमीटर थोड़ा डिफरेंट है ना, उसमें जैकी लगा होता है, कुछ पॉइंट इधर उधर करना होता है, उसके अनुसार से एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट मानना पड़ता है, ठीक है।
तो वो अलग है, ये अलग है, लेकिन उसे भी हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसे भी हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर हो गया, विद्युत विभव या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने में यूज किया जाता है। मोज है ना, मोज, मोह इसे कहते हैं ना, इसका यूज होता है कि कोई खनिज कितना कठोर है, इस स्केल को हम क्या करते हैं, कोई खनिज कितना कठोर है इसे मापते हैं। इसका जो होता है 1 से या 14 तक होता है, 1 से 14 तक खींचा होता है इसका मेजर होता है ना। ज्यादा मेजर होगा तो बोलेंगे जो खनिज है, जो मिनरल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो रॉक है बहुत ज्यादा कठोर है, तो याद रखिए ना। तो मोह के जरिए क्या करते हैं, खनिज की कठोरता मापते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोमीटर, जिमोमीटर नेक्स्ट हमारा है, जिमोमीटर ये क्या करता है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस को मापते हैं, फर्मेंटेशन का रिएक्शन रेट को मापते हैं। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, किण्वन कहने का मतलब जैसे दूध से दही बनता है ना, तो ये एक फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है ना, जो एंजाइम के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा क्रिया पूरी होती है, तो उसके रेट को किससे मापते हैं, जीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे और उसके यूजेस थे, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में है ना, एसएससी सीजीएल में, ये सभी पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह एक्चुअली करते क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के उसके मौलिक इकाइयों के घात के रूप में जो एक्सप्रेशन मिलता है उस एक्सप्रेशन को हम लोग बीमा कहते हैं। घात के रूप में मतलब कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बीमा को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, है ना, इसका पावर में ए या एल होगा, इसका पावर में बी और इसके पावर में सी, ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि के मौलिक इकाइयों के रूप में व्यक्त कर उसके घात के रूप में यदि दर्शाया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं बीमा, इसे कहते हैं डायमेंशन, इसे कहते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो इसे निकालना बहुत ही आसान है, इसके आपका जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपसे बीमा पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, तो अब यदि आपको उसका फार्मूला याद है, फार्मूला मालूम है, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग सिंपल से निकालते हैं वेग का, पहले हम लोग वेग का निकालते हैं, वेग का बीमा क्या होता है, तो वेग का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना, दूरी। तो दूरी के लिए क्या होगा, दूरी लंबाई को दिखाता है, तो लंबाई के लिए लिखेंगे एल, है ना, और समय किसको दिखाता है, टाइम का, तो टाइम के लिए लिखेंगे टी। यहाँ पर कुछ नहीं, पावर में 1 है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल, है ना, टी माइनस वन, ठीक है ना, एल टी माइनस वन, इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और एक ही साथ इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे तो ये हमारे इस तरह से हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ पर m नहीं है तो m को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा m का पावर 0 एल टी माइनस वन, है ना। किसी भी पावर का, किसी के भी नंबर का ऊपर में पावर 0 आ जाता है तो क्या होता है, 1 हो जाता है, ये हम लोग पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 m का पावर 0 लिख देंगे, तो वेग का बीमा हो गया हमारा m 0 एल टी माइनस वन या एल टी माइनस वन, ठीक है। इसी तरह हम त्वरण का देखते हैं, त्वरण का या फिर कुछ बल का देख लेते हैं, ये छोटा सा होगा, मैं थोड़ा सा ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बल बराबर होता है मात्रा गुना त्वरण, ठीक है ना, मात्रा गुना त्वरण। अब मात्रा तो हम लोग समझ में आता है m, अच्छा मात्रा को मात्रा ही रहने देते हैं अभी, तो मात्रा का m, और त्वरण का होता है वेग बटा में समय, ठीक है ना, वेग बटा में समय। अब मात्रा का हो गया m, वेग का हो गया हमारा एल टी माइनस वन, यहां लिख देते हैं हम एल टी माइनस वन, है ना, और समय का हो गया टी, अब ध्यान से देखिए ये 1 है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये पावर जुड़ जाएगा, तो यानी फाइनली हो जाएगा हमारा m 1, यहाँ पावर में 1 l 1, और ये इधर से ऊपर जाएगा तो -1 और इधर का -1 -2, तो हमारा बल का हो गया m1 l1 t -2, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी भौतिक राशियों के बीमाओं को निकाल सकते हैं, यदि आपको उसके फार्मूला को, उसके सूत्र को यदि आपको याद है तो आप इसी के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना सभी के। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है, आते हैं। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, करें कार्य का बीमा ये है, एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी, तो ए बी सी का मान बताओ, आपसे इसी तरह देगा, ऑप्शन में बहुत सारे दिए, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ए बराबर, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके बनाने के लिए आपको कार्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये हो गया कार्य का फॉर्मूला। बल मतलब क्या होता है, मात्रा गुना त्वरण, है ना, मात्रा गुना त्वरण और गुना विस्थापन। विस्थापन को हम लोग दूरी लिख सकते हैं, है ना। मात्रा का मात्रा हो गया, त्वरण मतलब क्या होता है, वेग बटा समय होता है, हम लोग दूरी बटा समय स्क्वायर लिख सकते थे, वेग बटा समय, ठीक है, तो गुना दूरी। अब फिर वेग मतलब क्या होता है, वेग मतलब होता है मात्रा गुना,
वेग मतलब होता है क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय गुना समय गुना दूरी, ठीक है ना। अब आप इसे लिख सकते हैं, मात्रा का हम लोग एम लिख दे रहे हैं, दूरी का एल लिख दे रहे हैं, है ना। नीचे में टी लिख दिए, यहाँ पर वन बाय टी हो गया, यहाँ पर एल हो गया। अब देखिए एल एल गुना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एम वन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम वन एल टू, सेम से मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो आपका ये आ जाएगा टी माइनस टू, ठीक है ना। अब आप इससे मैच करा सकते हैं, तो ए की जगह हमारा कौन बैठ गया, देखिए ए की जगह कौन बैठ गया, अगर यहाँ पर आप इसे मैच कराइएगा इससे एम ए एल बी टी सी, है ना। इसे आप अगर इस तरह से मैच कराइएगा तो ए बराबर वन मिल जाएगा और बी बराबर मिल जाएगा टू और सी बराबर मिल जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बीमा से पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ से कुछ ये भी पूछा जाता है किन किन भौतिक राशियों को बीमा समान होती है ना, किन किन भौतिक राशियों को बीमा नहीं होती, इकाई नहीं होती, है ना। इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर कुछ भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों की कुछ भौतिक राशियों की इकाई नहीं होती, जैसे हमारा हो गया अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, उसका यूनिट सेम होना चाहिए, और वो यूनिट क्या होता है फाइनली कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण कोई यूनिट नहीं बचता और ये हमारा इकाई विहीन हो जाता है। उसी तरह विशिष्ट ग्रुत, विशिष्ट ग्रुत तो मतलब के स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे ग्रेवी मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। इसे ग्रेवी मीटर के द्वारा मापा जाता है, वो बताया था इसके पहले में। तो विशिष्ट ग्रुत हो गया, तो विशिष्ट ग्रुत विशिष्ट किसी भी वर्ड के आगे लग जाता है तो उसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, जिसे रिलेटिव कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं, जैसे दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना होता है तो ऊपर भी सेम क्वांटिटी होता है, नीचे भी सेम क्वांटिटी होता है, जिसका उसका यूनिट कैंसिल हो जाता है और इसका यूनिट कुछ नहीं होता, इकाई विहीन हो जाता है। उसी तरह हमारा विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व क्या करते हैं, विशिष्ट घनत्व मतलब होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। विशिष्ट घनत्व मतलब होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा में, है ना, जल का घनत्व, जल का चार डिग्री सी का घनत्व, चार डिग्री सी का घनत्व, है ना, चार डिग्री सी का घनत्व, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी ये होता है पदार्थ का घनत्व बटा में जल का चार डिग्री टेम्परेचर। देखिए यहां से पहले वीडियो में मैंने बताया था कि घनत्व को हम लोग टेम्परेचर से टेम्परेचर में नोट करना होता है। जल का जो घनत्व है, जल का जो घनत्व है, इधर टेम्परेचर अगर खींच ले और इधर हमारा घनत्व खींच ले, है ना, घनत्व, तो जो जल का घनत्व है चार डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है, चार डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है, ये इसका ग्राफ है ना, ये चार डिग्री पर क्या होता है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और अगर आयतन देखा जाए, जल का घन आयतन जो सबसे कम होता है चार डिग्री पर, है ना, इधर हमारा तापमान कर लिया जाए और इधर आयतन खींच ले तो इसका ग्राफ कुछ इससे मिलता है, और ये हमारा यहाँ पर चार डिग्री पर मिलता है, ठीक है ना। तो चार डिग्री पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है और चार डिग्री पर सबसे कम आयतन होता है, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि समुद्र वाले भाग पर, है ना, इसी कारण से होता है, इसी कारण से क्या होता है, समुद्र वाले भाग पर क्या होता है, ऊपर का जल बर्फ में बदल जाता है लेकिन उस बर्फ के नीचे पानी रहता है, जिसके कारण मछली सभी जीव जंतु सभी जिंदा रह पाते हैं। तो ये इसे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है, इसे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो चार डिग्री क्या है, हमारा वाटर का यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुका है, वाटर का जो घनत्व होगा चार डिग्री पर सबसे ज्यादा होगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, किसी पदार्थ का हम लोग जो घनत्व निकालते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट घनत्व या अपेक्षित घनत्व कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। इसका देखिए घनत्व यहाँ भी आ गया, यहाँ भी घनत्व आ गया, घनत्व की इकाई दोनों के ऊपर लिखेंगे, घनत्व की इकाई कैंसिल हो जाएगा, तो इससे पता चला है क्या, इसका इकाई नहीं होता। उसी तरह साइन थीटा का भी नहीं होता, कोई संख्या नहीं, परमाणु भार, परमाणु भार अलग है और ग्राम परमाणु भार अलग है, परमाणु भार का कोई इकाई नहीं होता, लेकिन ग्राम परमाणु भार बोलेंगे तो उसमें ग्राम यूनिट आ जाता है। उसी तरह जिसकी इकाई नहीं होगी उसकी बीमा भी नहीं होगी। तो कौन का इकाई होता है, रेडियन, या फिर डिग्री में दिखाते हैं, रेडियन जिसे कहते हैं हम लोग, इसका बीमा नहीं होता। अपेक्षित घनत्व, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई बीमा भी नहीं होगा। उसी तरह स्ट्रेन का भी क्या होता है, कोई घनत्व तो नहीं होता, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े कुछ कॉम्पिटेटिव्स के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। जय हिंद।